ही मारूंगा। और सोल क्या है यहाँ पे, मतलब देख ओ भाई क्या है, ये लोग बिल्कुल जोन में बैठे हुए हैं मजे से। और ये गाड़ी उड़ेगी नहीं उड़ेगी, और वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इतने सारे स्पोर्ट्स देख रहे हैं, मतलब देखने को मिल रहे हैं हमारे को। और ये वाला गाड़ी शायद उड़ जाएगा, और एक बंदा तो नॉक हो ही गया, एक ही बचा है सोल या। और इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया, जैसा कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये क्या हुआ वो लोग, ओके वो हील कर रहा था उस तरफ जोन के बाहर, हम कुछ बोल नहीं सकते, वो बेचारा हील कर रहा था। तो टोटल जो है अभी यार 4 किल हो चुके हैं सोल के, और देखते हैं अभी कितने होते हैं। और बाकी यार आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है सोल का टीम। बहुत सारी टीम जो है वो यसनाया भी गई है, फार्म की ओर उतर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी टीम लोवो जाने की सोच रही होगी। और अगर अपन इधर देखें मिल्टा की साइड पे, तो मिल्टा की साइड पे भी यार टीम्स उतरी है जो की अनएक्सपेक्टेड है। और हमारे लिपोफ का देखते हैं कोई जाता है नहीं जाता, क्योंकि भाई मतलब मैंने देखा यार पिछले जो मैच हो रहे थे उनमें लिपोफ का जा रहे भाई 5-5, 6-6 स्क्वाड। ओके तो मोटर तो बगी मिल चुकी है, तो जैसे कि यार मैंने बोला था सोल का टीम गाड़ी पकड़ के जाएगा, क्योंकि फ्लाइट पार्ट थोड़ा दूर था। ये अच्छी बात है कि वो थोड़ा लूटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गेम में लूट भी मैटर करता है, अगर आपके पास लूट नहीं है तो फिर क्या फायदा भाई। एक फ्लेयर मतलब जॉर्जो में मिलती है फ्लेयर, अगर एक फ्लेयर मिल गई ना तो मजा आ जाएगा मैच देखने में। मुझे सारी टीम से एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग आज बहुत बहुत ज्यादा मजा देने वाले हम लोगों को फाइट में। एंड ये लोग आई थिंक ये लोग अभी यप ये लोग यहीं से लूट के इधर गए, यप जो कि ठीक है, पहले गन रखनी चाहिए, गन तो होनी चाहिए हमारे हाथ में, क्योंकि ये और ये राउडी राउडी 360 ने उड़ा दिया है, M60 ने फिर से यहां पे बंदे हैं पहले से। और देखते हैं यार ये राउडी जो है हमारे टीम 18 का बंदा, इसने नॉक कर दिया एक टीम 19 के बंदे को। और अभी यार जो 19 वाले बंदे हैं वो सारे दूर दूर हैं, ये मतलब बिल्कुल अलग सा यार, ये ऐसा लग रहा है ये सोलो खेल रहा है। यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इवन जब मैं भी खेलता हूँ तो हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टीममेट खो देते हैं, जो कि ये बहुत बुरी स्ट्रेटेजी भी लगती है। एंड उसको फिनिश कर दिया है पंच मार के, मतलब कोई इज्जत ही नहीं रही। तो टीम 19 के बंदे को वापस से पड़ती हुई नवीन को, और देखते हैं पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा घर तक। तो ये लोग सब में आ चुके हैं एंड धीरे धीरे लूट कर रहे हैं, आई थिंक ये लोग अपने टीममेट की मौत का बदला जरूर लेंगे। बट जो पीछे से नंबर 18 के पास भी गन है, बट वो लोग रश नहीं कर रहे थे, वो लोग अपने टीममेट्स का वेट कर रहे हैं, उनको मालूम है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबके सब एकदम बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं इस गेम में। और मेरे को तो लग रहा है कि भाई ये राउडी मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है, देख रहे हो मतलब बंदे में मतलब कितना वो है यार कि अकेला ही मारने जाऊंगा मैं, तो इसका स्क्वाड आया नहीं, मैं अकेला मारने जाऊंगा, कॉन्फिडेंस है जो कि अच्छी बात है, बस वो ओवर ना हो जाए। एंड यहाँ पे टीपी भी लेते हुए फुल टीपी पे एडवांटेज राउडी वर्सेस दानी। बाकी यार ऊपर जो एक बंदा है थर्ड फ्लोर पे, वहां पे यार वो आराम से इसको देख सकता है, पता नहीं मारा क्यों नहीं। और यहाँ पे यार जो एक और टीम जो है आ चुकी है टीम 14, तो मतलब टोटल जो है तीन टीम यार हमारी गई है सवर्नी। और ये क्या पता शायद अकेला ही बंदा हो इनकी टीम का राठौर राउडी, नहीं टीम नंबर 18 के सारे प्लेयर्स इधर आ चुके हैं, बाकी टीम नंबर 19 मुझे लग रही है कि यहाँ पर इनका खात्मा हो सकता है, क्योंकि ये लोग अभी भी स्प्लिट हैं, जिसमें से नवीन का एचपी जो है 50 है। तो ये क्या हो रहा है, ये लूटर ये ओके एचपी को 9 का टीममेट है। ओके ओके ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई हम लोगों को भी इधर। ओके ओके, दो टीम एक साथ है, ओके वो रोड के उस तरफ है, वी आर वेटिंग। तो इस बंदे पे यार अभी फिलहाल तो उजी है और एके है यार बंदे पे, और लेवल बन गया है, और बेस्ट की बात करें तो बेस्ट है नहीं बिल्कुल भी। यहां पर एक को क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है, नहीं नहीं एक बंदा बचा है, अगर अब ऊपर देखें हम एक बंदा बचा हुआ है, एक बंदा भाग गया है गाड़ी लेकर के। ओके टीम नंबर एक बंदा भाग गया गाड़ी लेकर, तो ये अभी भी यार यहीं पे शायद कैम करेंगे और वेट करेंगे उसके टीममेट्स आएंगे नहीं आएंगे। बाकी जाना तो नीचे है, क्योंकि यार ये दो बंदे और ये अकेला जाएगा तो मर जाएगा। ये रही हमारी टीम नंबर 15 यहाँ पे लूटते हुए,
और अगर हम बात करें टीम नंबर 11 की तो वो है ऊपर की साइड पे और वो शायद भाग रहे हैं या रोड पे भाग रहे हैं भाई, तो इनको कार वार भी नहीं मिली। और 11 आई थिंक वो लोग गाड़ी को गाड़ी ढूंढ रहे हैं, मतलब उन लोगों को भाई घूमना होगा ना, पैदल तो घूम नहीं सकते पूरे मैप में, इतना बड़ा मैप है रंगल का। और ये हमारे लिपोफ का वाले बंदे जो कि भाई मतलब अलग ही स्ट्रेटेजी लगाते हैं। और इनके पास यार अभी हम बात करें लूट की तो नॉर्मल लूट है, लेवल 1 हेलमेट और यहाँ पे हमारा ड्रॉप आ चुका है, यहाँ एयर ड्रॉप मंगवाया जिसमें AWM है और ऑग है जो कि जबरदस्त, जो उठाएगा भाई मुझे देखना है कौन उठाएगा यार AWM, मुझे देखना है। और उसी के साथ टीम नंबर 21 और 8 की फाइट हो गई इधर, ये लोग आई थिंक ड्रॉप कैंप कर रहे हैं, इसको बेट कर रहे हैं, ये लोग बेट कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी है। और ये देखो कि स्प्लिट है, थोड़ा स्प्लिट है, इन लोगों ने मतलब सोच रखा है पूरे स्क्वाड को उड़ाना है, लेकिन जो टीम नंबर 8 है वो लोग भी मतलब आगे बिल्कुल नहीं आ रहे, वो लोग वेट कर रहे हैं, वो भी आराम से वहां पे खड़े होकर, वो लोग लूट रहे हैं, उनको लालच नहीं है AWM का ना ऑक का। क्या ये बंदा यहां से लूट सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा जो है लूट रहा है, लूट रहा है और बढ़िया करा इसने यार, क्योंकि इसको लेवल 3 के गेट्स मिल गए, हेलमेट एंड वेस्ट, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज आता है यार। और सोल की टीम ने दो दो फ्लेयर ड्रॉप मंगवाए और इसमें हमारे को मिला MK14 और ग्रुजा, और उसी के साथ हमारे लेवल 3 के गेयर्स, हेलमेट, वेस्ट एंड बैग। जैसा कि परितोष ने एकदम स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया था कि ये लोग जोर जोर फुल जाके प्लेयर जरूर ढूंढेंगे, ये बात सच हो गई है, लगता है परितोष ने देखा ये मैच पहले भी। और मतलब मैंने बोला था एक फ्लेयर मिलेगी लेकिन इनको दो दो फ्लेयर मिल गई भाई, देख रहे हो। और यहाँ पे मॉर्टल MK उठा लिया और मेरे को लगता है कि सब मतलब अब जो ये MK ऑटो पे चलाने वाला है रेड डॉट लगा के, या क्योंकि मॉर्टल बहुत पुराने खिलाड़ी है इस गेम के एंड उनका हम लोगों ने बहुत क्लच सब कुछ देखा है, हम लोगों ने भाई कॉम्बी बहुत फेमस है भाई, कॉम्बिनेशन देख भाई, कॉम्बिनेशन देख, M249 के साथ में MK14 ऑटो पे, मतलब एक स्कोर सामने आएगी या गाड़ी लेके आए, अलग अलग गाड़ी में भी आएगी तो चारों गाड़ी फोड़ देंगे अकेले, मतलब गाड़ी तो ऐसे फूटेगी ना मतलब पता भी चलेगा। और यहाँ पे हमारी टीम नंबर 11 और टीम नंबर 9 के बीच की लड़ाई हो चुकी है, 2v4 के एक बंदे ने नॉकआउट कर दिया है यार यहाँ पे हेटर्स के बंदे को, अभी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आकाश जो है यार शॉटगन मारते हुए वो बंदा गाड़ी पे ही मतलब बैठा हुआ है, रिवाइव कर रहा है, और अगर ये गाड़ी फूट जाए तो हो सकता है क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ रिवाइव होने के बाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वही बैठ के भी हील भी करेगा आराम से, बहुत ही बढ़िया वाइप आउट कर रहा है इन्होंने स्क्वाड का। और हमारा ड्रॉप नंबर 5 आ चुका है, इसके अंदर हमारी ऑग A3 और उसी के साथ में हमारे लेवल 3 के गेट्स, तो देखते हैं कोई लूटने आता है नहीं आता है, ये वाला ड्रॉप हमारे खुले एरिया में गिरा है बिल्कुल, तो कवर तो भाई है नहीं बिल्कुल। देखो जो जो भी स्क्वाड रश गेम पे दिखाएगी या स्ट्रेटेजी खेलेगी, देखो मोस्ट ऑफ द टीम ने देखा है वो लोग कैंप करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा वेट करते हैं गुड गेम मिल जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कैंप नहीं करना, आपको इसमें किल्स भी करने हैं। आई थिंक ये थोड़े से ऐसी अलग अलग क्लैन के लोग भी इसमें, बट दे आर प्लेइंग इन टीम #snakeinthechatboys। तो अभी देखते हैं यार ये शूट करते नहीं करते हमारे टीम नंबर 8 के बंदे, ओ उन्होंने मिस कर दिया, इनकी स्क्रीन बंदा भाग के गया, उन्होंने मिस कर दिया जो कि। और अगर किल फीड देखे तो एक बंदे ने M24 मारा एक को, तो अभी तक का इनका मतलब टीम नंबर 8 वेट कर रही है टीम नंबर 17 का, टीम नंबर 17 को आई थिंक नहीं पता, वो लोग इधर उधर देख रहे हैं, या नहीं टीम नंबर 17 को पता है, वो लोग भी टीपीपी करके देख रहे हैं, ये क्या उनका प्लेयर AFK हो गया, आई डोंट नो, आई थिंक वो विंडो से देख रहा है, बट टीपीपी ले रहा है, ऐसा कैसा टीपीपी ले रहा है भाई। और यहाँ पे टीम नंबर 8 वाले भाई फुल्ली टीपीपी ले रहे हैं और एक बंदा लेटा हुआ है और शायद वो वाला भी लेटा हुआ है जो स्टाइल्स करके बंदा है। टीम नंबर 8 मुझे लग रही है वो बिना मारे नहीं छोड़ेगी, वो इतना गंदा टीपीपी कर रही है, मतलब सोचो आप लोग अच्छी अच्छी लूट लेके आगे जा रहे हो और अचानक से सामने कोई आ जाता है, मतलब कितना डर लगता है भाई, हार्ट बीट बढ़ जाती है अचानक से। और टीम नंबर 4 का एक बंदा स्काउट करते हुए टीम नंबर 12 को के सामने टीम है या नहीं है, क्योंकि यार ड्रॉप गिरा था हो गई उसको लग रहा होगा, टीम नंबर 4 का बंदे वो शायद उनकी स्ट्रेटेजी हो, वो शायद अकेले गया हो आगे बेट होने के लिए कि मुझे मारो तो तुम लोग सामने आओगे, क्या ये स्कोर कर पाएगा MD? पेड़ है सामने, बट अगर अच्छी नजरें होगी, अच्छा अगर खेलते हैं तो पक्का स्पॉट कर लेंगे आराम से, वैसे इनको पता है कि उधर लोग हैं, इनको मालूम है, वो बंदा वहां जंप कर रहा है, बिल्कुल खुले में घूम रहा है बंदा, अभी वो थोड़ा सा और वापस से यार M24 पड़ता हुआ एक बंदे को, टीम नंबर और इसी टीम के बंदे को पड़ा शायद, या ही इज नॉक्ड आउट और इसका बिल्कुल मतलब पूरा हेलमेट खत्म, यार हेलमेट ही नहीं इस पे, अब इसको यार पीक नहीं लेना चाहिए क्योंकि सामने वाले पे बोल्ट एक्शन है, और अगर ये पीक लेगा वापस तो वही है बोल्ट एक्शन, या फिर अगर वो DMR भी यूज करेगा तो एक हेडशॉट काफी रहेगा। टीम नंबर 17 और ये लोग उसी घर में बैठी है, और टीम नंबर 8 मतलब कितना अच्छी लोग बैठे हैं भाई, मतलब बैठे होंगे अपने आराम से पानी वानी लेकर कि बस कैंप करो इधर बैठ के, टीम नंबर 17 को तो मार के जाना है, छोड़ना नहीं है लोगों को, बाहर आओ तुम लोग, किल चाहिए हम लोगों को। मेरे को पता क्या स्ट्रेटजी लगती है इनकी, जैसे ही जोन
मतलब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ कहीं जोन से बाहर हो जाएंगे, तो ये लोग जो टीममेट वाले हैं ये इनको मारेंगे जब ये जोन से बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ करने वाले। लेकिन उसके लिए इनको बहुत वेट करना पड़ेगा, जो कि टाइम की बर्बादी, या तो इनको रश करना चाहिए अभी, बट ये लोग रश इसलिए भी नहीं कर सकते, चारों एक ही रूम में अगर एक एक करके गए तो चारों के चारों मारेंगे, लेकिन अगर चारों साथ में गए तो ठीक रहेगा। और ये जो सोल की टीम ने ड्रॉप मंगाया था ये वही ड्रॉप लूट रहे हैं लोग, और ये जो लोग हैं जार्की वाले बंदे हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बोला था कि एक एक करके जाएंगे तो मरेंगे, ये लोग बिल्कुल लग रहा था कि एक एक करके जाएंगे, और टीम नंबर एक के उन्होंने तीन आई थिंक यप दो, एक प्लेयर खो दिया, एक प्लेयर नॉकआउट है। और ये बंदे यार मतलब बहुत गलत सा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मतलब ओपन में जा गया चला गया ये बंदा टीम नंबर एक, और टीपीपी का एडवांटेज लेके टीम 17 ने पूरा वाइप आउट कर दिया है टीम 8 का स्क्वाड। मैं इसलिए कहता हूँ भाई ज्यादा कैंप मत किया करो, थोड़ा सा स्किल्स पे प्रभाव पड़ता है। तो देखा आपने उस बंदे का रिएक्शन टाइम थोड़ा सा खराब हो गया, वो हड़बड़ा गया होगा एम करने के टाइम, उसको उड़ा दिया टीपी एडवांटेज। और हमारी जो 2EZ की 4 की टीम थी यार ये बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, इनके टोटल 7 किल्स है, और इनके सामने जो है टीम 15 की जो टीम है नंबर 9 इतना ओपन में घूम रही है, एकदम मजे में घूम रही है, और टीम नंबर 15 आराम से बैठ के घर में देख रहे हैं कि कर क्या रहे। ओके अभी फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगर MD अगर हम देखे तो ये दो दो जगह से फ्लैंक कर रहे हैं अलग अलग, और एक बंदा नॉक हो चुका है। Nice. M4 का बहुत ही बढ़िया स्प्रे थ्रेड की तरफ से, और देखते हैं यार अभी क्या होता है, टीपीपी एडवांटेज दे रहे दो। और यहाँ पे भाई ये बंदा मतलब देख रहा हूँ इसको किल फील्ड में, विप्लव बहुत देर से M16 मार रहा है, और M16 से इतने सारे बंदे नॉक कर दिए, और यहाँ पे देखते हैं ये नेड जो है हमारा 200 IQ वाला होने वाला या नहीं होने वाला, क्या ये नेड सही होगा, ग्रेनेड किया है बट अब शायद मे बी पढ़ सकता है। लेकिन अभी भी तीन लोग हैं अभी भी, तो अगर एक बंदा दो पे भारी पड़ गया तो बाकी के एक एक दो संभाल ही लेंगे। तो अगर हम किल फीड देखो तो TN के एक मतलब जो TN का स्क्वाड है उसने एक स्क्वाड को पूरा वाइप आउट कर दिया, और देखते ही देखते मतलब पूरे बंदे मार दिए। टीम नंबर 15 खत्म हो चुकी है, तो अब उन लोगों को नेक्स्ट मैच में ट्राई करना पड़ेगा। टीम नंबर 9 बहुत जबरदस्त खेल रही है, और हमारा ड्रॉप नंबर 10 आ चुका है, और इसमें हमारी M249 और उसी के साथ हमारा लेवल 3 ग्रेड्स, तो देखते हैं कोई लूटने आता है या नहीं आता। बिल्कुल यार हमारे मतलब पानी की तरफ गिरी है, बिल्कुल एज पे आई थिंक कुछ लोग लूटने आ सकते हैं वाला ड्रॉप, क्योंकि उधर कोई बैठ के कैंप, वैसे वो जगह कैंप करने के लिए अच्छी तो है, लेकिन जो पहले से उस जगह की क्लोज है उसको पता होगा कि वहाँ कोई नहीं गया तो जा सकता है। टीम नंबर 5 का बंदा अकेले, क्योंकि वो अकेले ही बचा है अपनी टीम में, वो अकेले घूम रहा है, वो ड्रॉप जाना तो नहीं चाहिए बट इसको अपनी पोजीशन के लिए जाना चाहिए, अपनी टीम की पोजीशन के लिए, ताकि टॉप 4 तक तो आ ही सके। और टीम नंबर 14 जो है बढ़िया चिल आउट कर रही है अभी, बस इधर उधर देख रही है, बंदे स्पॉट कर रही है, और यहाँ पे वापस सिकल फील्ड में लड़ाई होती हुई, और दो बंदे शायद फिनिश कर दिया एक बंदे को। नंबर 10 और टीम नंबर 7 के भी फाइट हो रही है, शायद वो लोग भी ड्रॉप के लिए जा रहे हैं। और ये देखा आप लोगों ने M4 का 2X के साथ क्या जबरदस्त प्ले किया, बहुत ही अच्छा, और ये सिंगल पे करके मारे जबरदस्त, ओपी ओपी वेरी नाइस। तो सूर्य ओपी जो है फिनिश कर दिया है पूरा उसको, और अभी देखते हैं यार यहाँ पे क्या होने वाला है। और टीम नंबर 2 जो है यार ये भी बहुत पास में, और 3 स्क्वाड है मतलब टोटल यहाँ पे, एंड 2 स्क्वाड एक्स्ट्रा है, कौन किसको मारेगा समझ नहीं आ रहा। आई थिंक टीम नंबर 7 डोमिनेट करेगी, और ये नेड पड़ता हुआ लेकिन नेड नहीं पड़ा, और ये लोग यार मतलब फुल ट्राई कर रहे हैं नेड वेड मारने का, मॉली वोली मारने का, देखते हैं पड़ता है नहीं पड़ता, वो एक भी मॉली वगैरह अच्छा कर रहे हैं नेड करके, क्योंकि क्या होता है जो मिली वेपन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपी होते हैं, जितना हम लोग उनको मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं उससे भी ज्यादा ओपी निकल जाते हैं वो लोग, तो मिली वेपन को इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं, एंड रश कर दिए हैं टीम नंबर 7 के। और ये फ्री फायर मारते हुए बढ़िया यार, मतलब फ्री फायर मारो तो उससे एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई पीछे टीपी भी ले रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली फायर उड़ा दिया है भाई, वो टीम में बस लेकिन पूरा स्क्वाड वाइप आउट, नाइस। लेकिन टीम नंबर 10 एडवांटेज उठाएगी मेरे हिसाब से, थर्ड पार्टी हो सकता है शायद। बाकी यार जो TN का स्क्वाड था वो बढ़िया खेल रहे थे, और अभी किल फील्ड में हमने देखा था कि उन्होंने पूरा एक स्क्वाड बहुत अच्छा खेल रही है टीम नंबर 7, स्मोक कर दिया भाई उसने, बोला नहीं मरने दूंगा अपने टीममेट को, एक हील कर रहा है एक स्मोक कर रहा है, बहुत जबरदस्त। बाकी यार उन लोग को एडवांटेज था, थर्ड पार्टी कर सकते थे टीम 10 वाले, शायद वो दो ही बंदे हैं, दो ही दिख रहे हैं मेरे को अभी तक। तो टीम नंबर 10 अभी भी शायद उनको नहीं पता कि ये गेम आपको किल करना है, इस गेम में किल लेके ही जीत सकते हो आप। और ये लोग शायद जोन में नहीं है तो इनको जोन में भी जाना है, तो फटाफट से लूट लेते हैं ये लोग। और अभी जो यार जोन के लिए सिर्फ 35 सेकंड बचे हैं, जोन आने वाला है और इनको मूव करना है,
टीम नंबर 7 अभी भी उनको पता है कि टीम नंबर 10 है वो, टीम नंबर 7 के एक प्लेयर अभी भी टीपीपी लेकर देख रहे हैं उनको और बार-बार। सोल का लड़ाई हो चुका है किल फीड में, अगर हम देखें तो मॉर्टल ने एक बंदा नॉकआउट करा और 2EG4 के एक और बंदे ने जो है नॉकआउट करा राइस के बंदे को। तो लेट्स सी क्या हो रहा है इधर। तो ये रहा यार हमारा 2EG4 जो कि हमारा टीम नंबर 9 और टीम नंबर 12 के बीच में लड़ाई होता हुआ। 12 के तीन प्लेयर डाउन है, लिटरली वो दो टीम के बीच में पिस चुके हैं। ओ भाई यू नो द वर्ड वी यूज सैंडविच, ये वो हो चुके हैं। सैंडविच हो गया भाई। तो टीम नंबर 12 क्या कर पाएंगे? आई थिंक तीन प्लेयर नॉक है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा भी इनके ऊपर कि क्या मैं हील करूं क्या नहीं करूं। और इन्होंने स्मोक बहुत सारे किया जो कि बढ़िया किया। ओके एंड रेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है टीम नंबर 9 के प्लेयर फिनिश कर सकते हैं। और अगर टीम नंबर 4 ने पुश कर दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इन लोग को। और टीम नंबर 9 जो है यार वो भी मतलब एडवांटेज ले रही है, और शायद मेरे को लग रहा है टीम नंबर 4 ने पुश कर दिया इन लोग पे और अब जो इनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, और इनको भागना चाहिए यहाँ से। और ये निकल ही रहे हैं वहां से टीम नंबर 12। मेरे को नहीं लग रहा कि ये सरवाइव कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर लेकिन अगर ये सरवाइव करते और क्लच कर देंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। सो वेट करते हैं हम लोग। क्या ये M4 के साथ M4 पे 4x लगा के स्प्रे करेंगे क्या? आप लोगों को देखना है, आई थिंक ये लोग ट्राई कर सकते हैं। और इस बंदे पे ग्रोजा है तो मतलब यार क्लोज रेंज में तो यार ये किसी को भी मार सकता है। ओपी 2 OP ग्रोजा इज ओपी बॉयज, ग्रोजा यार मतलब 2 OP। उसका जो फायरिंग रेट है ना मतलब फायरिंग स्पीड वो यार बहुत ही बढ़िया है। और देखते हैं यार ये ग्रोजा का यूज करता है नहीं करता, इजीली मार सकता है वो, उनको 2 किल आराम से मिल जाएंगे। और ये बंदा डीपी चलाते हुए, और इनका एक बंदा जो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है ताकि अगर इन पे पुश भी हो जाए तो ये बंदा भाग सके या फिर अलग जगह से फ्लैंक कर सके इनको बचाने के लिए। जो रिबेल है उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता, अदरवाइज अगर हम लोग होते हम लोग अगर मालूम होता तो हम भी ऐसे डायरेक्ट रश कर देते पीछे से घूम के, बट आई थिंक रिबेल कुछ और ही सोच रहा है। और अगर किल फील्ड में हम देखें तो FBI की जो टीम है वो यार मतलब नॉक होती जा रही है बार बार, देख रहा हूँ मैं किल फील्ड में। लेकिन जो टीम नंबर 9 है वो ठीक कर रही है, वो घर में सही है क्योंकि टीम नंबर 4 जो है वो भी साइड से आ रही है धीरे धीरे करके, वो भी रश कर रही है। मुझे तो बस टीम नंबर 12 का डर है यार, बेचारे पिस चुके हैं वो। लेकिन एक बात बताऊं, इनको है ना अभी फाइट लेनी नहीं चाहिए टीम नंबर 12 को, इनको स्मोक करके भागना चाहिए क्योंकि जोन आने वाला है 38 सेकंड में। स्मोक करके कैसे भागे होना भी चाहिए इतना ज्यादा। ओके 2 स्मोक है डेडपूल के पास, ये मोली लगा ही नहीं लगा, थोड़ा सा बच गया, नहीं पहुंचा। और ये शायद पुश कर रहे हैं लोग, यप, और टीम वाइप आउट हो चुके हैं नेट से, परफेक्ट। तो आकाश का जो नेट था यार वो बहुत ही ओपी था, टीम नंबर 4 वहां से निकल गई है और अब होगी सबसे जबरदस्त फाइट क्योंकि जोन खत्म होने वाला है एंड मजा आने वाला है। और इन पे पड़ती हुई पीछे हिल से, और INF का जो बंदा यार ये नॉक पड़ा है अभी, INF के यार एक बंदा मर चुका है, 2 बंदे बचे हैं, एक बंदा नॉक है, तो देखते हैं यार ये बंदे जो है रिवाइव कर पाते नहीं कर पाते। टीम सोल भी मार रही है उधर टीम्स को, आई डोंट नो है किधर, लेकिन उन्होंने फुल फिनिश कर दिया, वाइपर मार रहे हैं, एक स्क्वाड पूरी वाइप आउट कर दी है सोल की टीम ने। वाइपर इज लाइक सबको हेडशॉट दे रहे हैं आराम से एकदम बैठ कर, कह रहे आओ तुम लोग बॉडी पे मारो मैं हेड पे मारूंगा, तुम लोग पहले मारो मैं आखिर में मारूंगा लेकिन हेड पे ही मारूंगा। और सोल के यार यहाँ पे मतलब देख, ओ भाई क्या ये लोग बिल्कुल जोन में बैठे हुए हैं मजे से, और ये गाड़ी उड़ेगी नहीं उड़ेगी। और वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इतने सारे स्कोर्स देख रहे मतलब देखने को मिल रहे हैं हमारे को, और ये वाला गाड़ी शायद उड़ जाएगा, और एक बंदा तो नॉक हो ही गया एक ही बजाय सोल या। और इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया, जैसा कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये क्या हुआ वो लोग, ओके वो हील कर रहा था उस तरफ जोन के बाहर, हम कुछ बोल नहीं सकते, वो बेचारा हील कर रहा था। तो टोटल जो है अभी यार 4 किल हो चुके हैं सोल के, और देखते हैं अभी कितने होते हैं। और बाकी यार आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है सोल का टीम जो है कितने किल्स कर सकता है। 5 किल हो चुके हैं इनकी टीम के और अभी जोन खत्म हो रहा है, तो टीम इन्हीं के पास है कि ज्यादातर, लेकिन जोन अभी दूसरी तरफ बन गया है, ओ माय गॉड, तो इनको भी निकलना पड़ेगा, अगर ये पहले निकल गए तो ठीक रहेगा। और टीम नंबर 14 का जो बंदा यार वो बेचारा फंस चुका है, आर्यन जो है मतलब वो बंदा ना नीचे जा सकता, नीचे जाएगा तो जोन से मरेगा, और उसकी हेल्थ भी नहीं, और ये शायद नीचे बच गया भाई, फॉल डैमेज लेके भी मर सकता है, उस पर बिल्कुल भी हील नहीं है। तो देखते हैं टीम नंबर 13 जो है INF वो पुश करते नहीं करते टीम नंबर 14 पे, नेड वेडी मार सकते हैं। और सोल का टीम यार अभी भी जो है कंपाउंड होल्ड करके रखा है, सोल अगर सोल वहां पे वेट कर ले अभी भी तो शायद उनको किल मिल सकते हैं क्योंकि उन लोगों को जोन में आना है। तो ऑक्सी परफेक्ट जो यार इस इनके साथ खेल रहा है, और ये मतलब यार ऑक्सी की टीम जो है ये भी बहुत बढ़िया खेलती है, सारे दोस्त हैं मेरे, और देखते हैं अभी ये क्या करते हैं। और इन्होंने यार अभी तो फिलहाल स्नाइपर टावर होल्ड कर रखा है, कैंपिंग कर रहे हैं बढ़िया से, और यहाँ पे ड्रिंक पी रहे हैं बैठ के, एकदम मॉइस्चराइज कर रहे हैं अपने गले को चल
जरूरत हमें है वैसे, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है देखकर। तो इन लोग के यार 3 किल्स थे और ये सोल के यार मुझे 5 किल ये हो चुके स्ट्रैटेजी हैं। नहीं समझ आती बिल्कुल भी। मतलब लोग घर में आके लेटते क्यों है? घर में आपके आप अगर टीपीपी लेना है तो बैठ के लो आराम से, लेकिन लेटना मतलब उधर भी स्नेक। तो सोल का जो टीम है यार वो निकल चुका है अभी जोन के लिए, और देखते हैं यार ये जो है जोन के लिए सोल की मतलब स्ट्रैटेजी देख रहे हो, वो लोग अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। एक गाड़ी में जाएंगे फूटेगी मर जाएंगे। फायरिंग हो रही है उनके तरफ, दो तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन वो पहले एक टीम को वाइप आउट करेंगे। फायरिंग हो रही है, पहले वो पोजीशन होल्ड करेंगे। यप, पोजीशन होल्ड कर लिया। और यहाँ पे जो 2v4 का टीम है इनको आराम से मार सकता है रौनक, और एक बंदा नॉकआउट कर दिया है और और गाड़ी भी फुल फोड़ दी फिनिश है। भी कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एक नाइस नॉकआउट कर मोर्टल दिया भाई, मोर्टल ने क्या गजब मारा भाई। मतलब M249 है हाथ में तो यार बस गोली चलाओ बस। लिटरली उस बंदे ने स्विच करा जल्दी से और मार दिया। उसने फुटस्टेप ध्यान से सुने, मतलब लिटरली बहुत जबरदस्त खेल रहा है बंदा। और अभी देखते हैं यार कि हमारा जो 2v4 का टीम है वो बचा है नहीं बचा, क्या लगता है? देखते हैं। आई थिंक शायद फिनिश हो चुका है वो टीम, यप, क्योंकि दिख टीम नहीं रहा। नंबर 9 है, टीम नंबर 9 में था टूइज। अब ओके, बचे टीम हैं नंबर 9 है, वो थोड़ा जोन के बाहर है, बट उनको मुश्किल होने वाला है। टीम नंबर 3, टीम नंबर 6, टीम नंबर 17। मेरे हिसाब से तो ये जो जोन ये एंड वहां पे होगा स्नाइपर टावर के पास, तो टीम नंबर 3 के पास अच्छा एडवांटेज है। लेकिन सामने सोल खड़ी है, सोल को पहले अपने पीछे जो टीम नंबर 17 जो शेक के अंदर कैंप कर रहा है उसको तो मारना पड़ेगा घुस के। अगर वो नहीं मारे तो ये बंदा पीछे से बैक स्टेप करके सबके किल भी चुरा सकता है और उनको भी फुल फिनिश कर सकता है। बाकी देखने वाली बात ये है कि जो वो बंदा जो शेक के अंदर बैठा है वो कब तक होल्ड करता है पोजीशन। और अभी यार उस पे जोन है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अगर कैम्प करेगा तो बढ़िया है, और अगर टॉप 4 आ गया तो मतलब भाई अलग ही यार, उनके टीम वाले खुश हो जाएंगे। और मॉर्टल ने टाइम देख लिया और उसने स्मोक निकाल दिया। उसको पता है कि अब निकलने का टाइम है, और आई थिंक स्मोक की एक लंबी सी वॉल बना दे अगर पूरी की पूरी टीम तो परफेक्ट रहेगा। सोल में से ओएस जो है वो मार रहे हैं अभी भी, जो कि परफेक्ट कर रहे हैं। एंड सोल निकल गए आगे, मोर्टल भी आगे निकल चुका है, उन्होंने रश कर दिया दूसरी टीम को। बाकी और ओएस को पड़ी और ओवेस नॉकडाउन, नॉक। लेकिन कोई नहीं, बाकी तीनों के तीनों टीममेट जो है सोल के उनकी पूरी हेल्थ है। मोर्टल अभी आगे जाएंगे, उनको रेस्ट नहीं करेंगे, उनको पता है रेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी। और एमडी एक बात बताऊं, अभी जो है 2v4 का टीम भी बचा हुआ है, सिर्फ दो बंदे मरे थे अभी, ओ जस्ट मैंने गलती देखा। से नेट बाहर आ गया, शायद वो अपने टीममेट को खो सकते हैं शायद। और यहाँ पे क्रोजा मतलब ओपी यार क्लोज रेंज में, तो और वाइपर ने पूरा जो स्क्वाड मार दिया है। अब देखते हैं अपने टीममेट को रिवाइव देते नहीं देते। ओवेज जो है नॉक है और रिवाइव हो जाएगा इजिली। और उधर की तरफ INF का एक बंदा है जो है पत्थर होल्ड करके बैठा है, और इधर की वाइपर तरफ हमारे 2v4 की टीम है राइट साइड पे। अभी देखते हैं कि कौन सी टीम जो जीतती है। गाइस कमेंट करके बताओ यूट्यूब पे कि नेट आप एकदम कुक करके फेंका है तो कौन सी इसकी, टीम को सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ा सा रह गया, जबरदस्त खेल रहे हैं टीम नंबर 9 का क्या होगा। बाकी यार कुछ भी बोलो 2v4 वाले बंदे वेल मतलब टीम नंबर 9 के प्लेयर को पहले गाड़ी के जो थे टायर फोड़ देने चाहिए थे। अगर मोर्टल लेट जाता है आगे जाकर तो उसको नीचे से दिख जाएगा, वो मार सकता है, फुल फिनिश कर सकता है टीम। लेकिन साइड में एक और टीम है टीम नंबर 13 जो कि कैंप कर रही है, वो पंगे ले रही है साइड में से। और मोर्टल नॉक हो गया लेकिन बदला ले लिया है, और बदला ले लिया है। अगर हम बात करें 2v4 टीम की तो यार ये लोग बहुत बढ़िया खेले और 16 किल्स इन्होंने ले लिया यार अभी तक। मतलब 16 किल्स यार बहुत होते हैं ऐसे टूर्नामेंट में, जो बहुत कि मतलब यार इतना हाई लेवल का टूर्नामेंट है और उसमें तुम 16 किल कर रहे हो तो यार बहुत ही बढ़िया टीम है। अगर उनके यार दो बंदे और होते तो उनपे एडवांटेज थोड़ा ज्यादा होता, बट अभी देखते हैं यार क्या होने वाला है। और पूरा मर चुका है परफेक्ट 2v4 का कोई टीम। नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इतने किल्स ले लिए और टॉप 3 में जगह बना लिए तो पॉइंट्स उनको मिल गए। और जी जी ले लिया है भाई सोल की टीम ने, जबरदस्त सबकी फेवरेट टीम विनर, भाई विनर चिकन डिनर। तो सोल का टीम यार अभी जीत चुका है और मतलब